जानकारी आप लोग के माध्यम से ही मुझे जानकारी दी गई है जी। कोई मुझे आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब जो हकीकत है उसको तो सब जान चुका, तो पूरा देश जान चुका। क्या बताया गया था सर आपको प्रशासन की तरफ से? मुझे कुछ नहीं बताया गया प्रशासन की तरफ से, मुझे मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा और नेताओं के फोन आए और इसी माध्यम से देखा। अच्छा, दो दिन पहले आप देखने भी आए थे और डॉक्टरों ने ठीक किया था? मुझे नहीं देखने दिया। आप लोगों का आरोप था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है सर इस पर? जो आरोप था वो आज भी हम वही बात कहेंगे। आई भाई बाहर सर, आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के? आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था, उन्हें माननीय न्यायालय में जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और आज सर सूचना कैसे मिली? मीडिया के माध्यम। मीडिया आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर आप लोग आगे? जो है सब होगा, अब ये कोई समय नहीं है कार्रवाई बताने का। सब आप लोग भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर तीसरी जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो इंसान। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीट ठोक कर जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो, दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के VC रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका न्यायपालिका न्यायपालिका